राधे राधे, कैसी राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत। हम कान्हा जी के गले के हिसाब से एक इस तरह से एक निशान बना लेंगे नेक का, ठीक है। उसके बाद हम ये स्टोन चेन लेंगे, ये हम गोल्डन कलर की स्टोन चेन जर्कन की लड़ी यूज़ कर रहे हैं। और अब फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इस पर, लाइन पर ऐसे। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इसको हम इस पर लड़ चुका देंगे इस तरह से, पास पास करते हुए। जैसे हमारे पास ये दूर वाली जर्कन की लड़ है, अगर आपके पास पास वाली हो जिसमें गैपिंग नहीं होती तो उसको आप सादा भी चुपका सकते हैं। जिनके पास वाली ना हो, जैसे हमारे पास अभी नहीं है, तो फिर इस तरह से गैपिंग को हटाते हुए भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर कट करते यहाँ पर इसे लगा देंगे। फर्स्ट लाइन इसकी लग गई, ठीक है। अब इसके बाद एक और लगा देंगे ग्लू लगाकर ऐसे, ग्लू लगाकर एक और चिपका देंगे ऐसे ही। हम ये तीन लाइन लगा लेंगे, ठीक है। ये दो लाइन हो गई, ऐसे इसे बिल्कुल सटा कर लगाएंगे और अच्छी तरह से ग्लू लगाएंगे, तभी अच्छी तरह से चुपके रहेंगे और छूटेंगे नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसी तीसरी भी लगा लेते हैं। अभी तीन लाइन लगाने के बाद इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बड़ा कट करेंगे ऐसे, ठीक है। अभी कट हो गया। अब कट करने के बाद हम इस पर मिड पर यहाँ ग्लू लगाएंगे ऐसे, और एक स्टोन चेन लेंगे और इसको हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट ऊपर आ गया, जो लड़का कोने हैं वो तो ऐसे ऊपर लग देंगे। मिड में लगा रहे हैं हम ये बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर एक स्टोन रेड कलर का इसे हम लगा देंगे इस पर, ठीक है। इसे ठीक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अभी एक लाइन लगने के बाद इस पर हमने ग्लू लगा लिया है। अब हम ये एक स्टोन चेन लेकर यहाँ पर एक और लाइन इस पर लगा देंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से इसे सेट कर देंगे जिससे ये गुलाई में जाए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ ग्लू है, थोड़ा सा और लगाते हैं। और इसके बाद हम स्मॉल ग्रीन स्टोन लेंगे, ठीक है, ग्रीन कलर का कुंदन। इसको हम इस तरह से इस पर रखेंगे और एक स्टोन चेन लेंगे। पहले स्टोन चेन को इस तरह से हम घुमाएंगे टर्न करते हुए, फिर स्टोन लगाकर फिर चेन को इस तरह से राउंड हम ये सर्कल बना देंगे, ठीक है। फिर से एक ग्रीन स्टोन रख देंगे और एक स्टोन चेन लेकर एक ये राउंड हम सर्कल बना देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से सेट कर देंगे, ये ऐसे लगना चाहिए गोलाई में, ठीक है, लंबाई में ना आए गोलाई में ऐसे। इसे गोलाई में घुमा देंगे इस पार्ट को भी, ठीक है। अब जैसे हमने इधर लगाया ऐसे इधर लगा लेंगे। अब हम बड़ा वाला नेकलेस बनाएंगे, उसके लिए हम ये थोड़ी बड़े साइज़ की स्टोन चेन यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हम
पहले ग्लू लगा लेंगे, फैब्रिक ग्लू इस तरह से, ठीक है। और 3 स्टोन इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, 3 स्टोन ऊपर चिपक जाएं और 3 हम नीचे लटका देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर एक और लेयर लगा देंगे। अब हम ये 1 स्टोन ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इधर लगा देंगे, ऊपर, ठीक है। ये एक एक ऊपर लग गए। अब हम एक लंबी स्टोन चेन लेंगे, जितना लंबा आपको हार की लंबाई रखनी है, बड़ी, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पर लगाएंगे। अब जैसे 6 स्टोन के हमने ये पीसेस कट किए थे, तो फिर 3 स्टोन नीचे रहने के बाद 3 स्टोन हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। और इधर भी ऐसे ही एक लाइन लगा देंगे, लड़ 3 स्टोन पेस्ट कर देंगे और 3 नीचे की तरफ रहने देंगे। ये हमने सेम साइज के कट कर लिए हैं इस तरह से, ठीक है। इनको सीधा सीधा अब सेट कर देंगे, बिल्कुल एक सीध में लगा देंगे इनको, ठीक है। अब इसे चिपकने देंगे। अब ऐसे ही एक एक लाइन हम थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर और लगा देंगे, एक एक पीस, ठीक है, इस तरह से। ये लग गया। अब इसके बाद थोड़ा सा ये कट कर लेंगे, और इसके 2 बराबर पीसेस हम कट कर लेंगे ऐसे। इसकी फिनिशिंग हम बाद में कर लेंगे। और इस पर ग्लू लगाएंगे, उसके बाद इसको हम इस पर 3 जो नग हैं ये इसके ऊपर लगा देंगे, और ऐसे ही चैन के इधर 3 हम इस पे चिपका देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको सूखने देंगे। जब तक वो हार सूखता है हम इयररिंग्स बना लेते हैं। उसके लिए हम छोटा सा ही पेपर ले लेंगे, कैनवस पेपर, बुकरम, टेट्रन, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर ग्लू लगा लेंगे पूरे पर, ठीक है। ऐसे ग्लू लगाने के बाद एक हम ये ग्रीन कलर का स्टोन कुंदन रख देंगे, ठीक है। और जैसे ये हमने एक लंबी स्टोन चेन ये कट कर ली है, ठीक है, उसमें 3 स्टोन हम नीचे की तरफ लटके रहने देंगे, और उसके बाद बचे हुए ऊपर हम इस तरह से इसके चारों तरफ राउंड में हम लाएंगे, हाफ सर्कल बनाते हुए, ठीक है, इस तरह से। अब लाकर इसके बीच में गैप में एक और हम लंबी स्टोन चेन कट कर लेंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। इन सबको सेट कर लेंगे इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। अब ये हमारे कान्हा जी के इयररिंग की शेप इस तरह से आई, ठीक है। अब इसे सूखने देते हैं। कड़ा बनाएंगे। कड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मिट पे एक ये हम रेड स्टोन लगा देंगे, ठीक है। फिर ये एक हम इस तरह से स्टोन चेन लगा देंगे जरकन की लड़। जब ये सूख जाएगा तो इसे कस के इस तरह से चिपका देंगे थोड़ा सूखने के बाद, ठीक है।
दो स्टोन हमने कट कर लिए हैं, इसे हम मिड से ऐसे नीचे की तरफ लगा देंगे, एक थोड़ा हैंग हो जाएगा और एक ऊपर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाएंगे दोनों साइड अच्छी तरह से, और फिर ये हमने स्टोन चेन कट की हैं, इन्हें इस तरह से हम पास पास करते हुए लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही साइड भी इसे हम मिड में से लगाएंगे, ऐसे खिसका देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही इधर भी लगा लेंगे, अब इधर भी ऐसे ही हम ये स्टोन चेन लगा देंगे, ऐसे, ठीक है। अब इसको हम सूखने देते हैं कंगन को। रिबन बनाने के लिए कान्हा जी की कमर की साइज के हिसाब से आप एक पट्टी ले लेंगे, हमें आगे आगे के पोर्शन के लिए थोड़ा साइड्स में जाए पीछे, सिर्फ इतना हमने लिया है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा किनारा छोड़ते हुए ऐसे वेव में एक लाइन लगाएंगे, ग्लू लगा लिया है हमने, इसके ऊपर हम ये स्टोन चेन को इस तरह से वेव में घुमाते हुए लगाते जाएंगे, ऐसे, ठीक है। इसे पास पास कर लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर ग्लू लगा देंगे पूरा इस तरह से, और फिर एक रेड स्टोन लगा देंगे बीच में और ग्रीन दोनों साइड, ठीक है। इन्हें सेट कर देंगे, प्रेस कर देंगे हल्का सा, उसके बाद ये हम स्टोन चेन को इस तरह से एक छोटा सा सर्कल बना देंगे हाफ, इधर से तीनों स्टोन पर, ठीक है। अब इस तरह से लगाने के बाद इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बिल्कुल राउंड इसको यहाँ से बस इतना कट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। छोटा छोटा ऐसे ही इसका इस तरह से, ठीक है, ऐसी कटिंग कर लेंगे। अब ये कट करने के बाद हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे दोनों साइड लंबाई में, ऐसे, और इस पर ये इस तरह से 5 स्टोन की हमने लड़ कट कर ली है, और इसको इस तरह से लगा देंगे, सिर्फ किनारे किनारे लगाएंगे इसके, ठीक है, इस तरह से, ऐसे ही इधर लगा देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से हैंग हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से लगने के बाद इसमें जो बीच में गैपिंग है यहाँ पर हम ये स्टोन चेन नीचे की तरफ को लटका देंगे, ठीक है, छोटो साइज 3-3 स्टोन के इधर उधर लगा देंगे, और फिर एक उससे बड़े साइज की हम बीच में हैंग कर देंगे,
ऐसे, और ऐसे ही इधर लगा देंगे। एक इधर छोटी, एक दूसरी साइड और एक बड़ी बीच में, ठीक है। अब इसको सेट कर देंगे, इन्हें पास पास सेट करेंगे एकदम ऐसे, ठीक है। और फिर बाद में इसकी हम अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ कटिंग कर देंगे। अब इसको सूखने देते हैं, और जब तक कर्दनी सूखती है तब तक ये जो हमने नेकलेस बनाया था पहले, इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको हम एक्स्ट्रा, इसमें जितना भी है सब हम काट देंगे। ठीक है, तने से बैक से घुमाकर इसकी फिनिशिंग के साथ हमें कटिंग करनी है, ठीक है। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम ऐसे ही कंगन की और बड़े नेकलेस की सबकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो इसमें गैपिंग है नेकलेस में, इसमें हम एक एक यहाँ पर जो हम ड्रेस में स्टोन लगाए थे वो इनमें हम लगा देंगे, ठीक है। ग्लू लगा देंगे, और ये वाला जो स्टोन है ये नीचे से पॉइंटेड होता है, इसको हम इसमें इस तरह से गैप में रख देंगे, ठीक है, ऐसे। इस तरह से अभी जैसे रख दिए हमने, अब हम नेकलेस को लेंगे और एक हम हार्ड पेपर ले लेंगे, ठीक है। हार्ड पेपर या जैसे जो पतले पतले बॉक्स होते हैं वो ले लेंगे, और इसको इस तरह से नेकलेस को इस पर रखेंगे और हम इसका निशान लगा लेंगे, पेंसिल से इस पर ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ ये निशान लगाएंगे यहाँ तक। अभी लगाने के बाद अभी इसको सूखने देंगे अभी, ठीक है। अभी ये हमने जैसे गले का लगा लिया, अब इसके बाद इसे हाथ से कर देंगे और इस पीस को हम कट कर लेंगे, और जितनी भी हमने ज्वेलरी बनाई है सबको ऐसे ही पीस हम ऐसे ट्रेस कर छाप के पेंसिल से, ऐसे कमरबंद है इसको भी इसी तरह से रख कर इस पर भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे, और इसका भी हम पीस कट कर लेंगे, ठीक है। फिनिशिंग करने के बाद हम इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस ऊपर ग्लू लगा लेंगे, फैब्रिक ग्लू, ठीक है, अच्छी तरह से। और फिर एक डोरी लेंगे जो हमें कमरबंद में बांधनी हो, आप चाहें तो वेलक्रो भी लगा सकते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा रख के नीचे उपक्रम के पीस को, लेकिन हम डोरी वाला बना रहे हैं, ठीक है। इस पर ग्लू लगा देंगे, और जो हमने पेपर कट किया था उस पर हमने एक तरफ रेड फैब्रिक पेस्ट कर लिया है, अब इसको हम इस पर इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसे दबा देंगे, इसको चिपका देंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ऐसे ही हम ये जो हमारा नेकलेस है बड़ा, इस पर भी हमने कटिंग कर ली है इसकी, इसको भी हम उल्टा करके रखेंगे और इस पर हम ग्लू लगा कर ये हमने फैब्रिक लगा रखा है इस पर, इसे हम इस पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो इसके दो पतले ऊपर के किनारे हैं इस पर हम डोरी लगाएंगे, डोरी लगाने के लिए हम ये पतली डोरी यूज़ कर रहे हैं, इसको इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब इस पर ग्लू लगा देंगे, इसके साइज का पेपर कट कर लेंगे छोटा सा, इसे इसके ऊपर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब फिर इसके ऊपर भी हम फैब्रिक पेस्ट कर देंगे,
ऐसे की डोरी इधर लगा देंगे, इस लेकर इसे इधर पेस्ट कर देंगे और इस पर भी अब ग्लू लगाकर हम एक छोटा सा पेपर पेस्ट कर देंगे कट किया हुआ ऐसे, ठीक है। और इस पर भी फैब्रिक लगा लेंगे। ऐसे ही हमने ये स्मॉल नेकलेस पर भी ये पेपर पेस्ट कर लिया है फैब्रिक के साथ और डोरी लगा ली है। और ऐसे ही हमने ये इयररिंग्स पर भी पीछे लगा लिया। हमारे पास इयररिंग्स पे पीछे लगाने की समय डंडी नहीं है, तो आप इस तरह जो आपके पास इयररिंग्स पे जो पीछे डंडी लगती हैं आप वो लगाना चाहें तो यहाँ पर वो डंडी लगाने के बाद ये पेपर पेस्ट करें उसमें से निकालते हुए, ठीक है। और इसको जो डंडी ना लगाएं वो इसको ग्लू से कान्हा जी को पहना सकते हैं, ठीक है। कि कंगन पर चाहे तो नेकलेस की तरह डोरी भी लगा सकते हैं, चाहे तो ये बेलक्रो चिप भी लगा सकते हैं। इसे हम इस तरह से, ये हमने पोर्शन इतना सा छोड़ दिया है, एक इस पर लगा देंगे ऐसे और एक हम इधर लगा देंगे एक पीस इसका। अब इसको हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा को, ठीक है। ऐसे इधर भी कट कर देंगे, बस अभी हमारे कान्हा जी का कंगन भी तैयार हो गया है। अभी एक चीज की और कमी है और वो है बिंदी, तो बिंदी भी हम बना लेते हैं छोटी सी। यहाँ पर पहले ग्लू लगा लेते हैं पूरे पर इस तरह से और फिर सबसे पहले नीचे एक लगा देते हैं रेड स्टोन, बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ लगाएंगे और फिर लगा देते हैं एक स्टोन चेन। हमने दो दो पीसेस कट कर लिए हैं, ये छोटी सी बना रहे हैं हम बिंदी, बहुत छोटी सी। और इनको दोनों तरफ तिरछा थोड़ा सा कर देते हैं और ये बस छोटी सी बिंदी बनकर तैयार हो गई है। हमारे कान्हा जी का खूबसूरत सा जरकन कुंदन का सेट बनकर तैयार हो गया है। ये छोटी सी बिंदी है, ये छोटा नेकलेस, ये बड़ा रानी हार, दो इयररिंग्स और दो कंगन और ये कमरबंद बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी अपने कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी पर इस तरह का ये पूरा ज्वेलरी का सेट बनाकर जरूर पहनाएं। और मैया कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस, एक्सेसरीज, फर्नीचर बनाने के लिए हमारे चैनल के स्थिर राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।